वेलकम बैक टू फार्मेसी नॉलेज चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीफार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स 2019 फाइनल ईयर क्वेश्चन पेपर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, सो प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फुल मार्क इज 80 एंड टोटल टाइम इज 3 आवर्स। टोटल आपको 3 आवर्स में 80 मार्क क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। देन आंसर एनी 5 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 1। सो आपको टोटल क्वेश्चन 7 आएंगे। 7 क्वेश्चन में से आपको टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इंक्लूडिंग क्यों बोला हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसलिए उसको भी मिला के आपको टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, ए बी एंड सी। तो ए में टोटल से बस फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये क्वेश्चन बस फिलिंग द ब्लैंक्स वाला है एंड टोटल 8 क्वेश्चन है, मीन्स फिलिंग द ब्लैंक्स टोटल 8 है एंड इसका मार्किंग स्कीम है 1:8। सो A1 इज डैश ग्लास इज यूज टू स्टोर फोटो सेंसिटिव ड्रग्स। डैश ग्लास इज यूज टू स्टोर फोटो सेंसिटिव ड्रग। देन सेकेंड क्वेश्चन इज लैविगेशन इज यूज फॉर डैश ग्राइंडिंग। थर्ड क्वेश्चन इज पैस्चुरेशन इज यूज टू मेक डैश सेफ। फोर्थ इज टिंचर ऑफ ऑरेंज इज प्रिपेयर्ड बाय डैश मेथड। फिफ्थ इज द ऑइंटमेंट इन आयुर्वेदा आर कॉल्ड डैश। देन सिक्स स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ डैश। देन 7 पाउडर एंड ऑयल ड्रग आर स्टेरिलाइज बाय डैश स्टेरिलाइजर। देन 8 इज फर्स्ट एडिशन ऑफ IP means Indian Pharmacopoeia was published in dash years। तो टोटल 1 क्वेश्चन और नंबर 1 क्वेश्चन में टोटल ए पार्ट में 8 क्वेश्चन था, बस फिर इन ब्लैंक्स का मार्किंग स्कीम है 1:8। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना होगा। देन वही क्वेश्चन नंबर वन में पार्ट बी में क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन, मीन्स इन दोनों के बीच में डिफरेंश करना है आपको। तो इसमें टोटल क्वेश्चन 5 है। सो 5 फर्स्ट इज डस्टिंग पाउडर एंड इंसल्फ्लेशन, इन दोनों में से आपको डिफरेंस, इन दोनों का आपको डिफरेंस बिटवीन लिखना है। देन सेकेंड इज डिस्टिलेशन एंड इवेपोरेशन। थर्ड इज इन्फ्यूजन एंड डेकोक्शन। फोर्थ इज हार्ड जेलाटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जेलाटिन कैप्सूल। फिफ्थ इज एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो टोटल 5 क्वेश्चन है, आपको 5 क्वेश्चन भी कंप्लीट करने हैं। टोटल 5 डिफरेंशिएट आपको अच्छे से लिखना होगा एंड इसका मार्किंग है 5:2। देन A1C फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 90% अल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 600 ml ऑफ 60 अल्कोहल। तो इसका मार्क है 2। देन क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन। देन एक्सप्लेन थियोरी ऑफ फिल्ट्रेशन। डिस्कस डिटेल ऑन मेटा फिल्टर एंड वाटर फिल्टर एड। तो इस क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा पार्ट ओके मार्किंग 3+3+7+2, मीन्स डिफाइन क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन में आपको 3 मार्क। देन एक्सप्लेन थियोरी ऑफ फिल्ट्रेशन, इसमें आपको 3 मार्क। देन डिस्कस डिटेल ऑन मेटा फिल्टर, इसमें आपको 7 मार्क। देन व्हाट आर फिल्टर एड, इसमें आपको 2 मार्क। तो आप यदि डिफाइन क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन आंसर अच्छे से लिख लिए, देन थियोरी ऑफ फिल्ट्रेशन आपको आया नहीं तो कोई नहीं, तो उसमें 3 मार्क मिल जाएगा। थियोरी ऑफ फिल्ट्रेशन में आपको 3 मार्क नहीं मिलेगा, आप उसके बाद वाला लिख सकते हैं। तो ये प्रॉफिट है कि मार्किंग का सब पार्ट पार्ट हो गया, तो एक प्रॉफिट है कि आपको अच्छे से आप लिख पाओगे और अच्छे से आपको मार्क मिल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मार्क मिलने में। देन थर्ड क्वेश्चन इज डिफाइन साइज रिडक्शन। देन व्हाट आर दिस डिफरेंट फैक्टर विच अफेक्ट द साइज रिडक्शन। देन राइट शॉर्ट नोट ऑन हैमर मिल। सो ये साइज रिडक्शन चैप्टर में से, तो इसमें भी मार्किंग सिस्टम पार्ट हो गया है 2+7+6, मीन्स डिफाइन साइज रिडक्शन में आपको 2 मार्क। व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर विच अफेक्ट द साइज रिडक्शन, इसमें आपको 7 मार्क। देन राइट शॉर्ट नोट ऑन हैमर मिल, इसमें आपको 6 मार्क। देन फोर्थ क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। देन डिस्क्राइब द मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन बाय ड्राई हीट इन डिटेल विद इट्स एप्लीकेशन इन फार्मेसी। तो आपको इसमें भी पार्ट होके मार्क है 3+12, मीन्स डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, इसमें आपको 3 मार्क। देन नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें पार्ट है डिस्क्राइब द मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन बाय ड्राई हीट इन डिटेल
एंड इट्स एप्लीकेशन इन फार्मेसी, इसमें आपको 12 मार्क। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है 15 मार्क वाला। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज डिफाइन वैक्सीन एंड टॉक्सॉइड एंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी एंड राइट ऑन एनी टू प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरियल वैक्सीन। इसमें आपको पार्ट पार्ट मार्किंग है 2+4+9। मीन्स डिफाइन वैक्सीन एंड टॉक्सॉइड इसमें 2 मार्क, टाइप ऑफ इम्यूनिटी इसमें आपको 4 मार्क, देन राइट ऑन एनी टू प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरियल वैक्सीन इसमें आपको 9 मार्क। देन क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट डू यू मीन बाय एंटेरिक कोटेड टैबलेट एंड मेंशन द कॉमन डिफेक्ट विच कैन ऑकर इन कंप्रेस्ड टैबलेट एंड हाउ कैन सच डिफेक्ट बी रिमूव। तो इसमें आपको पार्ट मार्क है 2+5+8। मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय एंटेरिक कोटेड टैबलेट इसमें 2 मार्क, देन मेंशन द कॉमन डिफेक्ट विच कैन ऑकर इन कंप्रेस्ड टैबलेट इसमें आपको 5 मार्क, देन हाउ कैन सच डिफेक्ट बी रिमूव इसमें आपको 8 मार्क। तो ऐसे में क्या आपको मतलब कि इजीली आपको कर पाओगे? जैसे देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या करने से क्या फ़ायदा है कि देखिए जैसे इस क्वेश्चन में व्हाट डू यू मीन बाई एंटेरिक कोटेड टैबलेट, इस एंटेरिक कोटेड टैबलेट हमारा 2 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकता है, 2 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो ये मतलब कह देगी इधर लॉन्ग क्वेश्चन में मिला के दे दिया ये, बट ये शॉर्ट नोट में भी दे सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो आप ऐसे पार्ट पार्ट करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। देन हाउ कैन सच डिफेक्ट बी रिमूव इसमें आपको 8 मार्क मिल रहा है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से एक ही फ़ायदा है कि आपको पता चलेगा मार्किंग स्कीम कैसा है, कौन से क्वेश्चन में कितना मार्किंग स्कीम है, आप उसी हिसाब से आप प्रिपेयर हो पाओगे एंड एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाओगे। देन द लास्ट एंड 7th क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय एक्सट्रैक्शन, देन डिस्क्राइब ब्रीफली द प्रोसेस ऑफ सिंपल मैक्रिएशन फॉर ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग यूजिंग द प्रिपरेशन टिंचर। इसमें मार्क है 2+13। मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय एक्सट्रैक्शन इसमें 2 मार्क। देन डिस्क्राइब ब्रीफली द प्रोसेस ऑफ सिंपल मैक्रिएशन फॉर ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग यूजिंग द प्रिपरेशन ऑफ टिंचर इसमें आपको 13 मार्क। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब एंड यस, आपको यदि किसी क्वेश्चन में डाउट है या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। आई विल ट्राई टू गिव यू।